सर कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। PSL की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। ये अचानक क्या हो गया? तो आई मीन के काफी अच्छे से आप PSL में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूँ मैं कि फ्री कर दे, अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे? आपके व्यूअर हैं आपके शो के, असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल PSL 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आगे PSL खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए IPL के लिए। दूसरा, नजम सिटी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका है। देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ, लेकिन ये फाइनल ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हमारे हमसाए मुल्क में वुमेन की IPL हो रही है, उसमें इतना क्राउड भरा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमारा ब्रांड है PSL, तो यहाँ पे भी वैसा ही क्राउड भरना चाहिए। PSL का फ्लॉप शो है, बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं IPL के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट नहीं PCB बेच सका। सब जो चूरन हम बेचते थे, तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। आपको भुगतना यह पड़ रहा है कि आज PSL का फाइनल खेला जा रहा है, कि आवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग आए हैं जो आगे। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। PSL जो पूरे सीजन में नंगे होने की कोशिश कर रहा था और एक्सपोज हो ही जा रहा था, आखिरकार फाइनल में आकर उसका सलवार सिरक ही गया और पूरी तरह से PSL 9 फाइनल में नंगा हो गया। कहने का मतलब ये है कि भाई PSL 9 जो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, मतलब अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी, तो वो आज पूरी तरह से नंगा हो चुका है, क्योंकि फाइनल में 2000 बंदे भी नहीं देखने गए और जब फ्री में भी बंदों को बुलाया गया तो मुश्किल में 5000-6000 लोग हुए। और टॉस के टाइम ऐसा था कि भाई टॉस के टाइम तो मतलब पवेलियन को दिखाया नहीं कैमरामैन, क्योंकि वहां पर एक भी बंदा नहीं था। और मुश्किल के इससे ऊपर हंसने की बात यह है कि जो लेजर शो हुआ उसे देखने भी कोई नहीं आया, वो भी फेक हुआ। मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब इतना ही अगर फेक करना है तो बाबर आजम का डमी लाके खिला दो, कहीं वो बाबर आजम से ही अच्छा ना खेल ले, अगर इतना ही तुमको फेक करना है। तो PSL एक्सपोज होने के बाद शाहिद अफरीदी फुटफुट कर रो रहा है लाइव स्टूडियो पे, तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे, उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि PSL ज्यादा हाई फाई क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया? क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं इसमें। पहले तो वो डॉल्फिन्स वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन के काफी अच्छे से आप PSL में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूँ मैं कि फ्री कर दे, अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे? तो क्राउड को आने दे, जहाँ इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता, अब क्या वजूहत हो सकती है? PSL की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहां पे आप देखें किस तरीके से क्राउड आया है अपनी टीम को सपोर्ट करा, क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था, वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यहां पे भी क्राउड वैसे नहीं आया था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल मैच के अंदर फुल हाउस आपको देखने को मिला। इसको भी छोड़ दे, IPL के अगर आप फाइनल को देखें तो वहां तो वैसे ही हर मैच के अंदर हाउसफुल होता है, वैसे भी हाउसफुल था। बिग बैश की लीग अगर आप फाइनल देखें, वहां पे भी आपको हाउसफुल मिला। PSL के जितने भी फाइनल हुए अभी तक, हर इस फाइनल के अंदर आपको हाउसफुल देखने को मिला, फिर वो चाहे कराची के अंदर क्यों ना फाइनल हुआ हो, तब भी हाउसफुल था। लेकिन PSL 9 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसके जिम्मेदारी PCB के ऊपर जाती है। PCB के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट्स हमारी सोल्ड हुई हुई है, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासिस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इन्वाइट करें। एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर्स को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता ना हालो, इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं,
मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी पीसीबी के ऊपर, दूसरी जाएगी टीसीएस के ऊपर, जिस इदारे को उन्होंने दिया था, इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम। तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी के ऊपर और टीसीएस के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है, ये पिछले 8 साल से ऐसे ही स्टेडियम है, पहले भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं हाउसफुल, हमने देखी है, इसी स्टेडियम के अंदर लोग आए हैं, हाउसफुल देखने को मिला है, यही सेम व्यू था। लेकिन इस दफा कोई अलग मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, बायकॉट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि लोगों को समझ नहीं लग रही टिकट लेनी तो लेनी कहां से, लोग चाह नहीं रहे, लोग अब जमाना मोड़ पर चुका हुआ है, लोग कहते हैं कि हम घर बैठे टिकट को बुक करवाए। लेकिन यहां पे रोला यह है कि आपको टीसीएस के आउटलेट के ऊपर जाकर टिकट मिलेगी, तो इससे भी बड़ा ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट आ रहा है, लोग ये नहीं करना चाहते। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, आपने पीएसएल का फाइनल करवा दिया जिसके अंदर लोग तो आए नहीं, कि लोग अब की बार पीएसएल एंजॉय नहीं कर रहे। आपके व्यूअर हैं आपके शो के, असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल पीएसएल 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, प्लेयर जो है बाहर से आके पीएसएल खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए आईपीएल के लिए। दूसरा, नजम सिटी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा, ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ, तो ये जो पीएसएल हुआ है इसके अंदर जब ये जरगान शरीफ साहब गए हैं तो कोई बजट ही छोड़ा था, और जब ये पहुंचे हैं मोहसिन नकवी साहब तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ, मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि पीएसएल हम कैसे कराएंगे, जरगान शरीफ साहब तो पैसे दे ही नहीं गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुँचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है वो गिरी हुई है। दूसरा ये है कि हर जगह पर ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा, 1.4 मिलियन डॉलर्स, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं, वो बजट बढ़ा नहीं है। सर कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए, लोग ही नहीं आए। फिर लोगों को अंदाजा था कि जी के पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे, और जैसे कि हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चक्के चौके देखना चाहते हैं। प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और फखरे आलम, ये भी एक कोई शो करते हैं, तो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुँच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी, कि कहते हैं अगर हम अपने वीआईपी पासेज और वीआईपी गाड़ियां और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नई स्टेडियम पहुंच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पर पहुँच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज्ड, क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ हो गए हैं। तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल कराची में तो अगर जरूरी है वो पहुंचे स्टेडियम, वो पहुंचे, और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको अच्छा लगेगा ट्रॉफी देते हुए, गलत होगा। बिना क्राउड के जो है पीएसएल का फाइनल जो है वो हो रहा है। एक तरफ अगर आप देखें जब आईपीएल का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो है टिकट को तरसते हैं और ग्राउंड में ऐसा खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं, इवन ग्राउंड क्या रोडे ऐसी भरी होती है। इंडिया में भी तो कल मैं देख रहा था वुमेन प्रीमियर लीग हुआ तो वहां बेंगलुरु में बड़ा रश लग गया, आरसीबी भर गया कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप कह लें कि क्योंकि कराची पाकिस्तान से तो बाहर नहीं है, कराची पाकिस्तान में ही है, लेकिन पीएसएल का फ्लॉप शो है, बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं पीसीबी भेज सका, सब जो चूरन हम बेचते थे, सेकंड बेस्ट लीग है नहीं रही भाई सेकंड बेस्ट लीग, और लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम टिकट के प्राइस कवर को वो भी ज्यादा रखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 4 साल पहले आप ओवरसीज प्लेयर को पैसे दे रहे थे ना वो आज भी दे रहे हो। वाह, वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई भी बड़ा प्लेयर पीएसएल में नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी आपने पैसे नहीं दिए, आपको भुगतना ये पड़ रहा है कि आज पीएसएल का फाइनल खेला जा रहा है मुल्तान और इस्लामाबाद का। अनफॉर्चुनेट यह है कि आवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग आए हैं जो आ गए।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पीएसएल की सलवा खिसक चुका है और पीएसएल पूरी तरह से नंगा हो चुका है दुनिया के सामने और सुपर फ्लॉप हो चुका है पीएसएल, क्योंकि ये जो सीजन था ये पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। यहाँ पर कोई अटेंडेंस, जो 20-30 हजार के स्टेडियम जो मतलब छोटे मोटे स्टेडियम पाकिस्तान में है उसमें भी आधे से मतलब नीचे मतलब बंदे देखने नहीं जा रहे हैं। मतलब 20 हजार स्टेडियम में अगर 5 हजार बंदे भी देखने नहीं जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस मतलब लीग का क्या हाल होगा। और कैमरामैन और ये जो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही साथी रहे, मतलब एक जगह पे बंदे इकट्ठा करके वहां पर बिठाता है जैसे कि लगे कि भाई स्टेडियम भरपूर हो, और बार बार उसी पे फोकस करता है जब चौका छक्का होता है कि आपको लगे कि इसी मतलब पैविलियन तो पूरा भरपूर है, लेकिन पूरा का पूरा जो पैविलियन है उसी में जाकर एक दो मतलब सेशन में बांट दिया होता है कि इधर इधर पुल कर दो बाकी जगह छोड़ दो, उसको तो कैमरा दिखाई गए नहीं। और मतलब क्या ही कहा जा सकता है, मतलब इतनी नंगी होना है आपके पीएसएल को कि भाई क्या ही कहें इसके ऊपर। अब इतना ज्यादा अगर आपको आपके लीग अगर आपके लोग ही नहीं देख रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं लीग, इससे अच्छा तो तुम्हारा रमजान लीग होता है रात में बैठकर उसको लोग एंजॉय करते हैं, क्या मतलब जरूरत है बाबर रिजवान को लाकर, उससे अच्छा तो बाबर रिजवान को तुम लहंगा पहन के नचवा दो अपने भोजपुरी सॉन्ग में, उससे ज्यादा लोग देखने आ जाएंगे तुम्हारे पाकिस्तान में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।